इंडिया वेस्ट इंडीज तीसरा T20 आज अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाएगी टीम इंडिया। जाने प्लेइंग 11 में किसे मिलेगा मौका, क्या पूरी खबर दोस्तों जानने के लिए बने रहे वीडियो में लास्ट तक। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 3 बजे की T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला आज खेला जाएगा। यह मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर खेला जाएगा। सीरीज के पहले 2 मैच जीत का अजय बढ़त बना चुकी टीम इंडिया की नजर बेंच स्ट्रेंथ को आजमाने पर होगी। वहीं विराट कोहली और ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में रोहित शर्मा किसे मौका देते हैं, यह देखने वाली बात होगी। बता दें कि विराट कोहली और ऋषभ पंत को BCCI ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ आखिरी T20 मैच से पहले बायो बबल से रिलीज कर दिया है। ये दोनों खिलाड़ी आखिरी T20 मैच में टीम इंडिया का हिस्सा नहीं होंगे। ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में ईशान किशन विकेट के पीछे दस्ताने में दिखेंगे। वहीं विराट कोहली के स्थान पर ऋतुराज गायकवाड़ बेहतर विकल्प रहेंगे। गायकवाड़ पिछली कुछ सीरीज से टीम का हिस्सा रहे हैं मगर उन्हें अभी तक मौका नहीं मिला है। पंत के स्थान पर रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर फिर शार्दुल ठाकुर में किसी एक को जगह दे सकते हैं। शार्दुल के टीम में आने से बॉलिंग विकल्प बढ़ेंगे, वहीं अय्यर के आने से बल्लेबाज में गहराई बढ़ेगी। इन दोनों के अलावा बॉलिंग यूनिट में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बेंच पर बैठे कुलदीप यादव युजवेंद्र चहल की जगह टीम में आ सकते हैं। रवि बिश्नोई ने इस सीरीज में डेब्यू किया है, ऐसे में रोहित उन्हें एक और मौका देना चाहेंगे। इसी के साथ आवेश खान को भी प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है। वहीं दीपक चहर या भुवनेश्वर कुमार को रिप्लेस कर प्लेइंग 11 में जगह बना सकते हैं। सो इस प्रकार हो सकती है भारत की प्लेइंग 11। रोहित शर्मा, ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, वेंकट सैयर, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव और आवेश खान। सो दोस्तों आपके अनुसार तीसरा T20 मैच कौन सी टीम जीतेगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और क्रिकेट की ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।